अरे आज रात तक पहुंचूंगा तुम्हारे। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या तुम बहुत बड़े चालाक हो गए हो? क्यों आपको तो कही वो थी, तुम्हारे तो फोटो आ गए मेरे पास कि तुम तैवन पहने हो किसी रिजॉर्ट में खाना खा रहे हो। कौन से फोटो तुम अगर बिक गए हो तो मुझे बताया क्यों नहीं कि साहब मैं भी बिक गया? बिकने को ना, जब बात हो गई थी। अब बात होने के बाद जब मेंबर देख के आया था, देखो मेंबर कितने हैं इनके पास, वो वाली बात सही निकली। तो मैंने आपको बताया था कि इतने मेंबर इनके पास हो गए हैं, और उसी चीज को देखने के लिए गया था कि बेवकूफ तो ना बना रहे। उसी टाइम ये कम से कम ये 10-12 दिन पहले फुट हुए हैं, और 10-12 दिन 8-9 दिन हो गए होंगे। तो और जो है उसी टाइम जो फिर उन्होंने वो खाना वाना भी खाया था हमने सबने, तो जब भी के फोटो होंगे ये। तुम्हारा मुझे साफ साफ बताओ क्या इरादा है? तुमने मेरे तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया ये कह के कि साहब डॉक्टर साहब ही करेंगे और मैं मिट्टी जैसा मिला वो करेंगे दिया वैसा डॉक्टर साहब, मैं तुम तो ये करूंगा। कह तुम और तो ये कहती हो कि सुतरे ने मेरी न मानी, तो बताओ मैं क्या करूं। जब तुमने भी तो उसके साथ धोखा करा, तुम तो ये कहती हो। धोखा तुम कर रहे हो ना मेरे साथ? और तुम ये भी तो कह दो डॉक्टर साहब इनसे कि सुतरे तुमने प्रत्याशी उस टाइम उतारा, तुम खुद मिलोगे ना होगा, प्रत्याशी उस टाइम उतारा जिस टाइम उनके पास 29 मेंबर हो गए। कोई भी उतारा नासिर कुरैशी का टिकट कट के मुझे मिला था तो ये थोड़ी के समाजवादी के लोगों ने मुझे नहीं लड़ाया। कह रहे होंगे प्रत्याशी ने उस टाइम उतारा, जब उनसे पूछ लिया कि ना उतार दो, हाँ ये इस तरीके से उतारा प्रत्याशी। और आपको जो है टॉर्च कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का आदमी रहा, इनसे पूछो तुम यादव कहाँ है जो इस पर मेरे एक आदमी के लिए ऐसे वो कर रहे हो। अपने तो दो पहले, मैं रिजवान को मैं बुला लूंगा, रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनका जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। तुमसे उनसे क्यों, क्या रिजवान की मतलब? जिम्मेदारी मेरी है, पहले अपने तो बुला लो, रिजवान को मैं जानू। नहीं, रिजवान के बारे में तो साफ इस कदर लोग बुरा भला कह रहे हैं पूरे इलाके में कि ये इसने डॉक्टर साहब के साथ भी धोखा कर दिया है। ऐसे आदमी के साथ धोखा कर दिया जिसने जिंदगी भर इसका साथ दिया, तो तुमसे बड़ा है एहसान फरामोश को होने का? तुमने तो वो काम किया मेरे साथ जो मेरा दुश्मन भी नहीं करता। वो डॉक्टर साहब ये तुम्हें इस तरीके से बरगरा रहे हैं कि ताकि आपको गुस्सा आवे, ये उल्टे उल्टे सीधे काम थे। तो नहीं सारे कुछ टिकों नहीं में कर लगा रहा हूँ, था मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी पार्टी क्या कह रही थी? अगर पार्टी ने किसी को प्रत्याशी बनाया तो किस क्या जिम्मेदारी थी तुम्हारी? तुम पार्टी के वोटों से जीते हो या बीजेपी के वोटों से जीते हो? मुसलमान ने तुम्हें किस लिए दिया वोट कि तुम समाजवादी के हो? इसलिए नहीं दिया था पूछते हैं मुसलमान ने तुम कि तुम इनसे, ये कमल तो के फूल पूछते से जीते थे। हो? तुम्हें ये सियासत बात तो के सुनो, फूलों का ही पता नहीं है? तुम इनसे इनसे ये तो पूछते हैं कि ये तो तुम्हें कह रहे हैं कि हेलो, एक तो मुझे तो कोरोना हो गया था, तुम में से कोई आदमी गया उसे लड़ाने के लिए, आज तुम समाजवादी का वो कर रहे हो। क्या समाजवादी का वो कर रहे हो, लड़ाना लड़ूना की बात छोड़ो। लड़ाना लड़ूना की बात छोड़ो, पब्लिक ने किसको वोट दिया? रिजवान को नहीं दिया पब्लिक ने वोट, पब्लिक ने दिया समाजवादी को, साइकिल को। 10% रिजवान का था तो 90% समाजवादी का था, ये तुम भूल गए? तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब, जो जुबेर चुनाव लड़ लिया था, जुबेर जब जहां जाकर जयवीर यादव से बात कराया करा, तो जयवीर यादव ये कह करा कि हाँ चलो सही आदमी दे दी, उसी दे दी वोट टिकट देने के किसे बाद भी। किसे तो बताइए क्या कर लेगा कोई आदमी, होगा और समाजवादी सरकार आएगी तो भी रद्द रहेगा, फिर थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। तुम तो इतनी वही बड़ी तो। मुसीबत में आ जाओगे समाजवादी सरकार आने के बाद कि तुम्हारे तो सारे लाइसेंस रद्द होंगे। ये तो तुम 10 महीने के लिए सौदेबाजी तुमने करी है, ये कितने दिन खा लोगे? तुमने ये तो सोचा नहीं? अरे इंसान इंसान की अपनी एक इज्जत होती है रिजवान, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा तुम्हें समाजवादी को अभी वोट नहीं देना, जी, समाजवादी वाले तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, मिठाई का भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी तुम समाजवादी को वोट नहीं दे रहे। कहाँ कहाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब समाजवादी के? तुम्हारे घर लेके गए थे, तुमने कह दिया कि डॉक्टर साहब को दे दो, डॉक्टर मुझे साहब 10 बदनाम दे रहे करने हैं, के लिए डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, अब आप बता रहे हो 15 दे रहे हैं। 20 दे रहे कि दे लेके गए थे मुझे बताया फहीम ने।
और ना गलत बता रहे। तुमने उनसे ये क्यों कहा कि डॉक्टर साहब को दे दो, मेरे मालिक तो वो हैं। अब मुझे भी तुमने गंदा करा, तुम पहले चुके थे हैं ना, पहले थोड़ा बिगाड़ डॉक्टर साहब ने, तो बाद में जब इन्होंने जब जब हालात देखे मेरे, जब उनके जब मैं देख के आया हूँ, वो जाके बोले कि यकीन ना हो तो देख लो जाके, जब मैं रिसोर्ट में देख के आया हूँ तो 34 मेंबर है वहाँ, वो तुम्हारी ऐसी सियासत के ऊपर इस मेंबर पे थे। अब तुम्हें 2-4 लाख के नहीं, ये तुम्हें 20 से ज्यादा नहीं देंगे किसी भी हाल में। मैं अभी लिख के दे दूं, जो तुम जिस लाल बाग में हो, कि तुम्हें 35 मिलेंगे और 50 मिलेंगे, 20 से ज्यादा मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मुझे मुझे तो इनका सब मालूम है। समाजवादी वाले दे रहे हैं तो तुम्हें बुरे लग रहे हैं। वो जो जो पार्टी तुम्हारी मस्जिदों तक को नहीं छोड़ रही, शहीद कर रही है इस वक्त, जो मुसलमानों के डंडा करे हुए है, मुसलमानों की पहचान खत्म कर रही है, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अगर उसको वोट देंगे तो बेकार है इबादत और नमाज। डॉक्टर साहब बात ये, मेरे वोट से अगर सब काम हो रहे हो तो मैं आ रही हूँ। तुमसे हिसाब लेंगे तुम्हारे और तुम्हारे होगा। जाल प्रमुख साहब जो मेन आदमी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, सलीम दो बार बन गए, मैं दूसरे को नहीं जानता। डॉक्टर नजाकत जो तुम्हारे चेले भी रहे हैं, डॉक्टर नजाकत समाजवादी से नहीं जीता, वो समाजवादी नहीं जीता ना, वो मेरा चेला। तुम्हारे लिए तो मैंने तुम्हें तो नेता मैंने बनाया, ये तुम तो अपने दिल से पूछ लो। तुमने तो मुझे धोखा दिया है और मुझसे झूठ बोला तुमने। ना झूठ ना बोला डॉक्टर साहब मैंने, कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। जो आपके पास मेरे फोटो आए वो उस दिन के आए जिस दिन मैं देखने गया हूँ। अगर अभी भी आपकी इज्जत बचानी है, इनसे पैसा ले ले और समाजवादी में आ जाए। कब आ रहे हैं वापस? हाँ जी, रिजवान भी लेके आ रहे हैं अपनों को। आज ये कसम खा के आए अखिलेश यादव जी के पास जाके, संजीव भी और मुकेश भी, कि हम लेके भी आएंगे और प्रस्तावक भी हम बनेंगे, एक भी वोट समाजवादी का नहीं जाएगा। अब मुझे खतरा तो मेरे वोट का है। तुम इतने हल्के निकल गए, मुझे इतनी हैरत है। डॉक्टर साहब कई बातें ऐसी थी कि इनकी बातें छोड़ो, मेरी इतनी बेइज्जती भी करी है टिकट मेरा जो उसके काटने के बाद। तो मेरी उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब इन्होंने मेरा टिकट काटा। फिर उसके बाद एक भी आदमी मेरे चुनाव में उलवाने नहीं गया। वो तो कह रहे मेरे टिकट एक काटने के बाद, और जहाँ जहाँ जुबेर ने इसकी जयवीर यादव से बात कराई है, जयवीर यादव ने वहाँ उससे कही है। टिकट तुम्हें किसने दिलवाया? टिकट आपने दिलवाया। तुमने मेरी बेइज्जती फिर क्यों करी? उस टिकट का डॉक्टर साहब फायदा क्या हुआ है बताओ तुम मुझे। क्या उस टिकट का फायदा क्या हुआ जब कोई लड़ाने नहीं आया तो? समाजवादी का मुझे बता दो, कोई आदमी एक बता दे कि हाँ क्यों एक बच्चा ये आदमी आया था लड़ाने के लिए। मुझे समाजवादी का टैग क्या कम बढ़ाएगा कि समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा है? समाजवादी का तो वो भी था, जुबेर भी तो पोस्टर लगाएगा। कोई नहीं मान रहा था समाजवादी का, सब जब ये डिक्लेयर हो गया कि रिजवान समाजवादी का कैंडिडेट है। उसके जरा वोट देखे कितने काटे हैं उन्होंने, वो तो हिंदू तीन जबरदस्त लगे, तीनों हिंदू तो जीत गए। उसने कितने काटी है? 600-700 वोट ही तो काटे, और कितने काटे? 600-700 थोड़ी काटे है, 1300 कुछ वोट काटे। चलो मैं कहूँ 1300 काट दिए उसने अपने बल पे। वो तो अगर तीन आदमी हिंदू अगर न लड़े होते, तीनों आदमी जमकर लड़े होते तो मैं कभी भी जीतता। तुम्हारा कहने का मतलब ये समाजवादी की वजह से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है ना? तुम्हारा कहने का मतलब ये है डॉक्टर एलटी अदन के नाम से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? तुम्हारा कहने का मतलब ये, तुम जो कुछ हो खुद ही हो, इतने बड़े नेता हो गए तुम है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान, जिसको तुमने अपने बाप की तरह समझा था तुमने उसी को धोखा दिया। डॉक्टर साहब मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हें गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं तुम्हें सब बातें। अरे क्या मैं इनसे कह दो, तुम इनसे कह दो कि तुम अपने आदमी को ला दो, रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम अपने आदमी को ला दो। तुम इनसे तो ये कहो, तुम अपने आदमी को लाओ, रिजवान को मिला लूं। जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैंने ली थी जिम्मेदारी की, रिजवान जो मैं कहूंगा करेगा। अब मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता दोबारा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तुम्हें आ गया लाना चाहो, तुम होगा पैसे के पीछे, मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं तुम्हारी? और अभी भी मैं कह रहा हूँ तुम्हें बीच में दिलवा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मूड हो तो आ जाओ और अपनी साथ बचा लो।
पब्लिक में भी, मेरी नजर में भी और समाजवादी पार्टी की नजर में। चलो मैं मजबूरा करूँ।